एक्सेल में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज में भी टेक्स्ट फॉर्मूलाज। मैं एक और फॉर्मूलाज भी इसमें करा चुकी हूँ, वो था हमारा मैथ फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मूलाज। हालांकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई भी फॉर्मूलेज कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्मूलाज में क्लिक करोगे तो देख सकते हो टेक्स्ट फॉर्मूलेज है। हालांकि इसमें देख सकते हो काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आ रहे हैं, तो उसमें से मैं कुछ फॉर्मूलेज आपको बता रही हूँ जो हम रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं बट हमें यहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज हमें पता होना चाहिए। तो जो जो मैं अप्लाई कर रही हूँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दिए हैं। तो फर्स्ट वन पे चलते हैं, केयर। केयर फॉर्मूला कैसे वर्क करता है? तो देखो, सबसे पहले आपने यहाँ टाइप किया केयर, तो उसने एक पैरामीटर मांगा नंबर। आपको नंबर पास करना है, यानी कि आप कोई नंबर दोगे तो वो बताएगा इस नंबर पे कौन सा करेक्टर है। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने दिया 65, तो शायद आपको नॉलेज हो जो कैपिटल अल्फ़ाबेट का 65 है, जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू क्या है? 65। तो जब मैं कैर के अंदर क्या पास करूँगी? 65। आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने दोबारा लिखा कैर, या तो आप खुद से नंबर दे दो या फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। तो सेलेक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ए। अगर मैं 65 की जगह 66 करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। 67 करूँगी तो सी आ जाएगा। आप समझ गए ना? यानी कि जो भी आप टाइप करते हो अल्फ़ाबेट, आप सोचते हो आपने ए टाइप किया, ये नहीं, उसका एक करेस्पॉन्डिंग नंबर होता है, वो उसमें कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली वो उसमें कन्वर्ट हो गया। अगर मैं बात करती हूँ कोड की, तो कोड में क्या है? कोड के अंदर टैक्स पास करना है, तो मैंने टैक्स क्या पास कर दिया है यहाँ पे? डी। तो वो बता देगा डी की करेस्पॉन्डेंस वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या पास कर दिया? मैंने लिखा है स्मॉल सी। मैं आपको बता दूं कैपिटल और स्मॉल अलग अलग नंबर्स हैं दोनों के। तो मैं वापस से लिखती हूँ कोड। अब मैंने क्या पास कर दिया? टेक्स्ट सी। तो क्या बताएगा वो इसकी वैल्यू? नेक्स्ट है कॉनकेटिनेट। इसको समझते हैं बहुत ध्यान से। कॉनकेटिनेट क्या है? जैसे एक बड़ा सा नेम है हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ राम मोहन शर्मा। ठीक है, अब मुझे कॉनकेटिनेट करना है। मैंने क्या किया? थोड़ा सा ज़्यादा कॉनकेटिनेट। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया फर्स्ट नेम कॉमा। अगर मुझे इसमें स्पेस देना है तो मैं डबल कोट्स के अंदर स्पेस दूंगी, तो वो इस तरह से होगा स्पेस, फिर कॉमा, फिर मोहन, फिर कॉमा, फिर स्पेस, फिर कॉमा, और फिर लास्ट वाला नेम। आप देख सकते हो एक बार एड्रेस बार में कॉनकेटिनेट G4, फिर कॉमा डबल कोट्स के अंदर स्पेस, और फिर H4, और फिर I4। तो इस तरह से राम मोहन शर्मा आ गया। नेक्स्ट है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब है वैल्यू बिल्कुल ही एग्जैक्ट होंगी तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा हाय, तो मैं एक बार इसको दोबारा रफ कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ हाय, यहाँ लिख देती हूँ हाय। अब देखना एग्जैक्ट में मैंने पहला टेक्स्ट लिया कॉमा दूसरा टेक्स्ट लिया, ये दोनों बिल्कुल ही सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। समझ गए? अगर मैं यहाँ हाई की जगह क्या कर दूँ? हेलो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्ट। लेफ्ट के लिए भी मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर। तो यहाँ लिखा इक्वल लेफ्ट। मैं कंप्यूटर के एग्जांपल से ही सारे समझा दूंगी। मैंने एक स्ट्रिंग ले ली टेक्स्ट, उसमें लिखा है कंप्यूटर। अब आपको लेफ्ट का मतलब क्या है पता है? जो स्ट्रिंग है उसमें से लेफ्ट में से टेक्स्ट को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो कंप्यूटर में से COMP मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने एक तो सेल सेलेक्ट कर ली फर्स्ट वैल्यू में, फिर मैंने यहाँ क्या टाइप किया? फोर। तो क्या आ जाएंगे बेसिकली? फोर करेक्टर। तो क्या आ जाएगा? COMP। सेम है राइट। मैं इसी स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, उसी से समझाती हूँ आपको। राइट, यहाँ मैंने लिखा राइट।
राइट में देख सकते हो मैंने टेक्स्ट कंप्यूटर ही लिया है, बट देखो आपको हमेशा कोई भी फॉर्मूला देने, मैं तो इसमें बता रही हूँ कुछ फॉर्मूलेस, बट आपको कभी भी देने, आपको ये चीज़ याद रखनी है, उसमें खुद बताता है राइट में क्या लिखा है। पहले टैक्स नम केयर, कितने नम केयर तक आपको राइट से निकालना है, जैसे आपने दिया 5 तक, तो क्या आ जाएगा PUTER। आप देख सकते हो राइट में C7 यानी कि कंप्यूटर वाइज सेक को सेक करेगा, 5 लेटर्स ले लेगा, ये राइट से एक्सट्रैक्ट करेगा। अगर मैं मिड की बात करूं तो मैं वहां पे भी यही एग्जांपल लिखती हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मिड, मिड में आपको सबसे पहले, मिड वाला थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, मिड में सबसे पहले टैक्स लेना है। मैंने टैक्स सेलेक्ट कर लिया, कंप्यूटर स्टार्ट नम, स्टार्ट नम मतलब मुझे मिड से टैक्स को निकालना है। सपोज करो इस स्ट्रिंग में से मुझे पुट निकालना है, मैं आपको बता रही हूँ, तो पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, और मुझे कहाँ तक निकालना है, 6 तक। तो इसमें तीन पैरामीटर देने हैं आपको, समझना पड़ेगा, पहले टैक्स देना है, दूसरा पैरामीटर देना है स्टार्ट नम कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है। तो मैंने लिखा 6 नम कैट्स। अब देखो इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, मैं इसको दोबारा से करती हूँ। मिड सबसे पहले टैक्स देना है आपको, अब मैंने लिखा 4। अच्छा कितने नंबर ऑफ करेक्टर निकालने, मैंने क्या गलती कर दी, उसमें 6 दे दिए, मुझे देने थे कितने नंबर, मुझे 3 नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, अब ठीक आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मिस्टेक क्या हो गई थी, 3 की जगह मैंने 6 दे दिया था, 3 क्यों देने, काउंट करने एक्चुअली, तो काउंटिंग नंबर देने थे, तो वो मुझे कितने देने थे, 3। अब मुझे निकालना है नेक्स्ट लेंथ, लेंथ का मतलब आप निकाल सकते हो किसी भी चीज़ की लेंथ, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, आपको इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ लिखा टेक्स्ट, ठीक है लेंथ लिखा, तो बुक की लेंथ कितनी हो गई, 4। नेक्स्ट है लोअर, अब देखो लोअर प्रॉपर अपर, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तीनों में अलग एग्जांपल लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देती हूँ। मैंने लिख दिया बुक, देख सकते हो कैपिटल में लिखा है मैंने, अब मैं ले रही हूँ लोअर, तो आप देख सकते हो टैक्स ले लेगा यहाँ से, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, समझ गए, किस में कर दिया, लोअर में। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर की, अब मैंने यहाँ सपोज कंप्यूटर पूरा लिखा, तो देख सकते हो प्रॉपर कंप्यूटर लिया मैंने, प्रॉपर का मतलब समझना पड़ेगा आपको, प्रॉपर का मतलब होता है जिसका फर्स्ट लेटर क्या हो, कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल, उसको बोलते हैं प्रॉपर। सेम चीज़ मैं इसी को, इसको कॉपी कर दे रही हूँ, स्मॉल में लिख देती हूँ, अब ये हो गया अपर। अगर कोई चीज़ स्मॉल में सेलेक्ट करोगे तो वो अपर में कन्वर्ट करेंगे तो सारे लेटर कैपिटल में आ जाएंगे, ठीक है, और अगर कैपिटल में ही होंगे तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने तीनों में अलग अलग लेके दिखाया आपको। देख सकते हो अपर में टैक्स पास किया हमने तो वो कन्वर्ट हुए, तो इस तरह से हमें फॉर्मूलेज लगाने हैं। उसके बाद है रिप्लेस, रिप्लेस के लिए आपको रिप्लेस कैसे करना है वो यहाँ पे करते हैं। रिप्लेस में अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब इसको ध्यान से समझना, ओल्ड टेक्स्ट, जैसे मुझे क्या लेना है एक ओल्ड टेक्स्ट, मैंने यहाँ ले लिया मदर, फिर मुझे करना है रिप्लेस करना है, मतलब किसी वर्ड को हटा के कोई और लाना है। स्टार्ट नम, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, यानी कि मुझे मदर में से एम को हटाना है। नम केयर, कित नम अंडर स्कोर केयर, समझ गए, मुझे कितने करेक्टर हटाने हैं, मदर से एम हटाना है, ओ हटाना है, एम ओ टी हटाना है, तो मुझे खाली एक ही हटाना है, मतलब एम ही हटाना है। अगर सपोज करो मुझे एम ओ हटाने हो तो मैं यहाँ पे क्या दूंगी, 2, अगर मुझे एम ओ टी हटाना हो तो मैं कितने दूंगी, 3, बट अभी मुझे एक ही हटाना है, उसको रिप्लेस करके एम की जगह क्या आ जाए, तो मैंने लिखा न्यू टेक्स्ट, देख सकते हो आप पैरामीटर में आ रहा है न्यू टेक्स्ट, तो न्यू टेक्स्ट में मैंने क्या दे दिया, BR, ठीक है। तो 4 पैरामीटर देने, सबसे पहले ओल्ड टेक्स्ट यानी कि मदर मेरा पुराना नाम है, मतलब जो मुझे
देना है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट से, तो यानी कि एम से कहाँ तक लेके जाना है, मतलब कितने करेक्टर हटाने हैं, खाली एक ही हटाना है नंबर्स, तो वन लिखा मैंने, ठीक है। अगर आपको दो हटाने हैं, अगर कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पे दो भी लिख सकते हो, दो हटाने एम ओ, और उसकी जगह मुझे लगाना है बी आर ओ, एंटर करा तो मदर की जगह क्या हो गया, ब्रदर, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है रिपीट, कभी हमें कोई टेक्स्ट रिपीट करना हो, जैसे सपोज मुझे हेलो हेलो ऐसे बार बार लिखना है, कोई स्ट्रिंग रिपीट करनी हो, हेलो लिखा कॉमा टू, तो हेलो कितनी बार आ जाएगा, टू टाइम्स, आप देख सकते हो आराम से। उसके बाद है फाइंड, फाइंड क्या करेगा, फाइंड में क्या देना है, सबसे पहले फाइंड टेक्स्ट, तो मैंने दे दिया कंप्यूटर, फाइंड टेक्स्ट लिखना था, सॉरी पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखना है, मैंने लिखा PUT, पुट, मुझे फाइंड करना है। विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट के अंदर से करना है, तो देख सकते हो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कंप्यूटर, कहाँ से स्टार्ट करना है, मैंने लिखा फर्स्ट पोजीशन से। इसको दोबारा समझ लो, फाइंड में बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट देना होता है फाइंड टेक्स्ट, आपको फाइंड क्या करना है, तो मुझे वो देना होगा टेक्स्ट जो मुझे सर्च करना है, तो मुझे पुट सर्च करना है, कॉमा किस में से सर्च करना है, तो मैंने दिया कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर लिख दिया। कहाँ से स्टार्ट करना है, वन पोजीशन से ही। अब आप इसके लिए आप एक यहाँ पे जैसे मैंने बाकी में वैल्यूज़ लिया, आप अलग से वैल्यू ले सकते हो, कोई स्ट्रिंग से किसी से भी सर्च करा सकते हो, तो मैंने लिखा फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करें, तो अब आप देख सकते हो रिजल्ट क्या आएगा, फोर। फोर क्यों आया, पुट कहाँ पे फाइंड हुआ, सी फर्स्ट पे, ओ सेकंड पे, एम थ्री पे और पी फोर पे, तो वो पोजीशन बता देगा। तो इस तरह से हमें ये सारे फॉर्मूले लगाने हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए होल्ड कर रही हूँ स्क्रीन, आप देख सकते हो, जिससे कि आप खुद से अप्लाई कर सको अपने सिस्टम में। उसके अलावा अब मैं 1 मिनट के लिए फॉर्मूलाज भी शो कर रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल पाए कि कैसे आपको लेना है, आप देख सकते हो ये मैंने स्क्रीन्स लगा दी हैं। ऐसे जिससे आपको दिख पाए कि फॉर्मूला लगाया कैसा गया, तो ये भी मैंने स्क्रीन लगा दी 1 मिनट के लिए, आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हो। तो ये हमारा था टैक्स फॉर्मूलाज, इसमें हमने फॉर्मूलाज के बारे में बताया, बाकी एक्सेल के सारे मेन मेन टॉपिक बिगनर्स के अकॉर्डिंग मैंने इस पूरी सीरीज़ में एड ऑन किए हैं, तो आप इसको नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपको टेली के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हो जाएंगे एक्सेल के। थैंक यू।